फिर से मार दिया है ताना मंजरी को सोशल मीडिया पर। आखिरकार उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको बताती हूँ इस वीडियो में। नमस्कार, मैं उर्दम ठाकुर, स्वागत करती हूँ आप सभी का फिल्म विंडो पर। भाई देखिए, हम सभी बात ये जानते हैं कि पायल और संग्राम सिंह ये दोनों ही बहुत जल्द जुलाई के महीने में शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, जिनकी तैयारी वो दोनों जोरों शोरों से करते हुए नजर आ रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा संग्राम सिंह और पायल दोनों ही सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं, कभी योगा वीडियोस करते हैं और कभी उनका फोटोशूट चल रहा होता है। तो हाल ही में पायल ने दो फोटो जो है वो शेयर करी है संग्राम के साथ में, और जिसपे उन्होंने कैप्शन दिया है लॉयल्टी मैटर्स। आपको बता दूं यहाँ पे कि लॉयल्टी मैटर्स जब उन्होंने लिखा है तो उनकी फोटो से ज़्यादा उनके कैप्शन पे लोगों का ध्यान ज़्यादा जा रहा है। कॉमेंट सेक्शन अगर हम देखें तो यहाँ पर फैंस जो है वो कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे हैं मंजली के साथ में, क्योंकि जिस तरीके से मुनावर और अंजलि लॉकअप शो के अंदर नज़र आ रहे थे, लॉकअप शो के अंदर जिस तरीके से दोनों का कनेक्शन नज़र आ रहा था, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नज़र आ रहा था, लेकिन लॉकअप से बाहर आने के बाद वही कनेक्शन बिखर गया, टूट गया, जिसके बारे में अब हर कोई बात कर रहा है, क्योंकि वही यही देखना चाहते थे कि आखिरकार जब मुनावर और अंजलि बाहर आएंगे तो दोनों एक साथ कैसे रहेंगे, दोनों के एक साथ म्यूज़िक वीडियोज़ आएंगे, दोनों के एक साथ प्रोजेक्ट्स आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला। अब आपको बता दूं कि जहां एक तरफ कहीं ना कहीं पायल को ये लगता है कि मुनावर जो है वो डिज़र्व नहीं करते थे लॉकअप को जीतना, और उसकी वजह से ही वो कई बार जो है चीज़ें क्लियरली बोल चुकी हैं, और उन्होंने ऐसा नहीं है कि कोई शब्दों का अलग इस्तेमाल करके बोला, उन्होंने बहुत फेस ऑन बोला है कि हु इज़ बेटर एंड हु इज़ नॉट। सो यहाँ पर उन्होंने लॉयल्टी मैटर्स बोल दिया है। आप लोगों से जानना चाहूँगी कि यहाँ पर दिया गया ये ताना आप लोगों को कितना सही लगता है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर विंडो को कीजिए सब्सक्राइब, ताकि आप तक पहुँचते रहें ऐसे ही सारी खबरें ऑन टाइम।